अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम जानेंगे कि किसी भी कर्व का नॉर्मल कर्वेचर क्या होता है। तो वो देखने के लिए सबसे पहले हम एक सरफेस कंसिडर करते हैं x इक्वल टू एक्स ऑफ यू वी, और p एक पॉइंट ले लेते हैं जो उस सरफेस पे लाए करता हो। इसके बाद हम उस पॉइंट p में से पास करने वाला एक कर्व x इक्वल टू एक्स ऑफ यू ऑफ टी और वी ऑफ टी कंसिडर करते हैं। अब इस कर्व का नॉर्मल कर्वेचर हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसे हम एज वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ कर्वेचर वेक्टर ऑफ सी एट पी ऑन दी नॉर्मल वेक्टर डिफाइन करते हैं। यानी किसी भी कर्व का नॉर्मल कर्वेचर क्या होता है, अगर हम उस कर्व के कर्वेचर वेक्टर की वेक्टर प्रोजेक्शन ले लें किसके ऊपर, उस कर्व के नॉर्मल के ऊपर, तो वो हमें दे देगा उसका नॉर्मल कर्वेचर। कर्वेचर वेक्टर आपने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, नॉर्मल आपने चैप्टर 8 में देख लिया था। तो इन दोनों के हेल्प से हम नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, कि नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर किसके इक्वल हो गया, के डॉट एन, और एन हमारा वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन दे रहा है। नोट दैट के एन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंस ऑफ एन। ये जो के एन है ये एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब क्योंकि अगर आप एन का साइन चेंज भी कर लें तो के एन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह किसी कर्व का जो नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर है वो उस कर्व की सेंस पे भी डिपेंड नहीं करता, यानी ये इनवेरिएंट रहता है, ना ये सी पे डिपेंड कर रहा है ये ना ही एन पे डिपेंड कर रहा है। और अगर हम नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें तो हमें नॉर्मल कर्वेचर मिल जाता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हम नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एन ले लें तो हमें नॉर्मल कर्वेचर मिल जाता है। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है x इक्वल टू एक्स वन ई वन प्लस एक्स टू ई टू, आपसे कहा जाए कि आप ई वन की डायरेक्शन में x का कंपोनेंट बताएं तो आप कह सकते हैं कि वो x वन है, इसी तरह ई टू की डायरेक्शन में x का कंपोनेंट x टू है। इसी तरह जब हम नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर देखते हैं तो n के डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट कौन सा होगा, वो होगा k डॉट n, और इसको हम कह देते हैं नॉर्मल कर्वेचर। अब नॉर्मल कर्वेचर को हम इस एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं, कैपा एन इक्वल टू एल डी यू ओवर डी टी स्क्र प्लस टू एम डी यू ओवर डी टी डी वी बाई डी टी प्लस एन अप टू सो ऑन। अब ये एक्सप्रेशन ज़्यादा बेहतर है इस वाले से, क्योंकि अगर आपको कोई भी कर्व दी हो किसी सरफेस पे और आपसे कहा जाए कि इसका नॉर्मल कर्वेचर फाइंड करें, तो इसकी निस्बत ये एक्सप्रेशन ज़्यादा बेहतर है। अब इस एक्सप्रेशन को याद करने का तरीका क्या है, आपने इसको बिल्कुल सीधे तरीके से याद करना है। याद करने के लिए आपको मैं तरीका बता देती हूँ। हमने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म देखी थी, क्या थी, आई इक्वल टू ई डी यू स्क्वेयर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वेयर। इसके बाद आपने सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म देखी, टू इज़ इक्वल टू एल डी यू स्क्वेयर प्लस टू एम डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वेयर। अब आपने क्या करना है, कैपा एन कैलकुलेट करने के लिए आपने सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म को फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से डिवाइड कर देना है, और जहाँ जहाँ डी यू स्क्वेयर डी वी जहाँ जहाँ डी यू और डी वी आ रहे हैं वहाँ वहाँ आपने उनको डी यू ओवर डी टी और डी वी बाई डी टी से रिप्लेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं ऊपर बिल्कुल हमारी सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म ही है, बस फ़र्क ये है कि सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म में डी यू स्क्वेयर आता था, इसमें डी यू बाई डी टी का स्क्वेयर आता है। सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म में डी वी का स्क्वेयर आता है और इसमें डी वी बाई डी टी का स्क्वेयर आता है। इसी तरह नीचे भी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में डी यू स्क्वेयर आता है, इसमें डी यू बाई डी टी का स्क्वेयर आता है,
और dv स्क्वायर की जगह dv बाय dt का स्क्वायर आ जाता है, यानी सिंपल आपने du को du बाय dt और dv को dv बाय dt से रिप्लेस कर देना है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 9.12 है, फाइंड दी नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर के एन एंड नॉर्मल कर्वेचर कैपा एन। ये कैपा है और ये के है, हमने कैलकुलेट करना है। हमें कर्व दी हुई है यू इक्वल टू टी स्क्वेयर, वी इक्वल टू टी, और सरफेस हमारी ये वाली है, पॉइंट है हमारा ये, क्योंकि हमने जब नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर डिफाइन किया था तो उसके लिए हमने तीन चीज़ें ली थी, एक पॉइंट पी लिया था, एक हमने कर्व ली थी और एक हमने सरफेस ली थी। अब कर्व हमने कैसे लिखी थी, एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ यू ऑफ टी कॉमा वी ऑफ टी। यहाँ इन्होंने हमें यू ऑफ टी और वी ऑफ टी की वैल्यूज़ दे दी है। कर्व को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमने कैलकुलेट करने हैं इसका नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर। उसे कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मल कर्वेचर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और उसी की मदद से हम नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर क्या था, के एन इक्वल टू कैपा कर्वेचर वाला डॉट एन टाइम्स एन, और कर्वेचर नॉर्मल कर्वेचर क्या था, कैपा एन इज इक्वल्स टू के डॉट एन। अब अगर आप के डॉट एन की वैल्यू ये वाली कैपा एन इधर सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, के एन इज इक्वल्स टू कैपा एन टाइम्स एन। तो इसलिए हम पहले कैपा एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब नॉर्मल कर्वेचर कैपा एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है एल एम एन ई एफ जी डी यू बाय डी टी और डी वी बाय डी टी, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन में यही अननोन वैल्यूज़ हैं। अब एल एम एन ई एफ जी ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्दर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि एल जो है वो किसके इक्वल है, एक्स यू यू डॉट एन, एम है एक्स यू वी डॉट एन, एन है एक्स वी वी डॉट एन, ई क्या है एक्स यू डॉट एक्स यू, एफ है एक्स यू डॉट एक्स वी, जी है एक्स वी डॉट एक्स वी। अब देखें एल एम एन ई एफ जी ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक्स यू चाहिए और एक्स वी चाहिए, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास एक्स मौजूद है क्वेश्चन में, आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू और विद रिस्पेक्ट टू वी कैलकुलेट कर लें, वहाँ से आप ई एफ जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एल एम एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स यू यू, तो वो यहाँ से आप एक्स यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू ले लें, एक्स यू वी तो एक्स यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी ले लें तो हमें एक्स यू वी मिल जाएगा, और एक्स वी वी तो वो भी हमें एक्स वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी लेने से मिल जाएगा। अब एन की ज़रूरत है, एन किसके इक्वल होता है, एक्स यू क्रॉस एन इज इक्वल टू एक्स यू क्रॉस एक्स वी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब आपने एल एम एन ई एफ जी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है, डी यू बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, डी वी बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और फाइनल आपने यहाँ पे कैपा एन के एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो फाइनली आपके पास नॉर्मल कर्वेचर की वैल्यू आ जाएगी 10/123। इसके बाद अब आपको चाहिए नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर, तो वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है कैपा एन टाइम्स एन, तो कैपा एन की वैल्यू 10/123, एन की वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए इस एक्सप्रेशन में, तो आपके पास नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर की भी
वैल्यू आ गई। अब आप देखें कि आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ एल एम एन ई एफ जी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ी, जो कि सिंपल डेरिवेटिव से हमें मिल जाएगी।